सर का बोझ उतना परेशान नहीं करता जितना मन का बोझ करता है। दो रास्ते हैं, एक संसार का और दूसरा परमार्थ का, एक शरीर का दूसरा मन का। शरीर के बोझ से तो तुम्हें चलने में कठिनाई होती है, जब बोझ ज्यादा होता है तो रास्ता नहीं चला जाता। इसी तरह वह जो दूसरा मार्ग है, परमार्थ का मार्ग, वह मन का मार्ग है। यदि उस पर मन का बोझ हो जाए तो परमार्थ के रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए परमार्थ के पथिक हैं उनको चाहिए कि वो अपने मन का बोझ हल्का करें। तुम कभी यह मत सोचो, यह मत ख्याल करो कि हम बड़े हैं। हम भगवान का भजन करते हैं और इस चीज को जरा छिपाओ। ज्यादा से ज्यादा घर वालों की, बाहर वालों की सेवा करो। जो काम वे लोग नहीं कर पाते वह तुम कर लो, तो घर वाले तुमसे प्रसन्न रहेंगे। झाड़ने बुहाड़ने का काम, गंदगी हटाने का काम यदि तुम करने लगो तो देखो कितना बढ़िया से सब हो जाता है। इस तरह से जीवन को ठीक बनाने के कुछ नियम हैं। उन नियमों को अगर आप यत्न पूर्वक पालन करते चले जाएंगे तो जिंदगी बड़े आराम से कटती चली जाएगी। अगर हम घर में थोड़ा ऐसा विचार किया करें कि हम पूजा करते हैं, पवित्र रहते हैं, दूसरा कोई हमें छुए ना, कोई ऐसा ना करे, हमारे पास नहीं आए, तो समझ लो कि घर वालों को और आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए अपना जो परमार्थ का कार्य है वह दूसरों पर नहीं पड़ने पाए तो आपकी साधना बहुत अच्छी तरह और शांति से चलती जाएगी। वास्तव में साधना में चलने के ऐसे ही कुछ नियम हैं। तुम संसार के कार्य खूब करो, खूब सर पे बोझा ढो, लेकिन जब उधर को जाओ तो उस बोझे को छोड़ दो, गुरु के चरणों में मन लगाओ। आपने देखा होगा कुली कितना बोझ ढोते हैं, चारों तरफ से उसको सामान लाद लेते हैं, लेकिन रात को वो गहरी नींद सोते हैं क्योंकि उनके मन पर बोझा नहीं रहता। सर के बोझे को ढो लेने के बाद भी बड़ी गहरी निद्रा में सोते हैं। और मालदार आदमी जिनके सर पर कोई बोझा नहीं है लेकिन मन के बोझे से रात भर नींद नहीं आई, नींद के लिए गोलियां खाते हैं, क्या कारण है? यही कि उन्होंने अपने मन का बोझा हल्का नहीं किया। एक महात्मा थे, जंगल में रहा करते थे। वह पथिकों को पानी पिला देते थे और रास्ते को साफ कर देते थे। यदि कोई भूखा आ जाए तो उसे खाना दे देते थे। उनका बड़ा नाम हो गया, लोग उनसे बड़े प्रसन्न रहने लगे। उसी जंगल में एक डाकू भी रहता था, लोग बहुत डरते थे, उधर से कोई जाता नहीं था। एक दिन डाकू के मन में आया कि मैं उन महात्मा से मिलूं, देखूं उनमें क्या चीज है जो लोग उनकी इतनी सेवा करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं और मेरी बदनामी होती है। तो एक रात वह उनके पास गया, बोला, महाराज, लोग आपके पास आते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा करते हैं, मुझसे भागे रहते हैं, कृपा कर मुझे भी कुछ ऐसा ही बता दीजिए जिससे मेरी भी कुछ प्रतिष्ठा करें और मेरे कुछ दिन शांति से कटें। तो महात्मा ने कहा कि कल सुबह मेरे पास आना, और उसे वो पहाड़ी के पास ले गए। वहां तीन पत्थर पड़े थे, महात्मा ने कहा इन तीनों को अपने सर पर रख लो।
और मेरे पीछे चले आओ। अब बोझ के साथ वो थोड़ी दूर चला, फिर बोला महाराज मैं थक गया। तो महात्मा ने कहा तुम एक पत्थर डाल दो। कुछ हल्का हो गया, फिर चलने लगा, कुछ दूर जाकर फिर से थक गया। तो ऐसे करते करते तीनों पत्थर फेंक दिए। फिर महात्मा ने उस डाकू को उपदेश दिया, भाई ये जो तीन पत्थर थे वो क्या थे? तुम्हारे अंदर तीन बातें हैं, तुमने तीन पत्थर रख छोड़े हैं, उससे तुम दबे रहते हो। एक तो है डाकुओं का गोल, लूट का माल और बुरी नीयत। इन तीन पत्थरों को लेकर तुम इस जीवन के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। इसी तरह मनुष्य के ऊपर तीन स्थितियां हैं, मल, विक्षेप और आवरण, या सत, रज और तम। ये तीन गुण हैं जो तुम्हें बोझिल बनाए हुए हैं। धीरे धीरे उन्हें कम करते जाओ। कर्म से मल को दूर करो, उपासना से विक्षेप को दूर करो और ज्ञान से आवरण को दूर करो। जब तुम इन तीनों मल, विक्षेप और आवरण से दूर हो जाओगे, तुम सत, रज और तम तीनों गुणों को दूर कर दोगे तो सुखी हो जाओगे। और उनकी उपासना से ये तीनों चीजें दूर हो जाती हैं। अच्छे अच्छे कर्म करो, भगवान की उपासना करो और ज्ञान से सत का दर्शन करो। आप ऊंचे उठोगे और उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हो, उसके निकट पहुंच सकते हो। बात कुछ कठिन नहीं है। और वे तीनों गुण जब दूर हो जाते हैं तो मनुष्य की त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। आपने रामायण पढ़ी होगी, उसमें कितना सुंदर आया है। भगवान राम अपनी बाल्यावस्था में थे, फिर युवा अवस्था में आए तो गुरु वशिष्ठ उनको उपदेश देने के लिए आते थे, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते थे। जब वे आते थे तो भगवान राम उनका सत्कार करते, उनका चरणोदक पीते थे, अपने भवन में छिड़क कर उसे पवित्र करते थे। वह राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या को लौटे तो वो कुछ और हो गए। मुनियों ने जाकर उनकी प्रार्थना की, यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ ने भी उनकी प्रार्थना की, और जिस गुरु का वह चरणामृत लेते थे उसी गुरु ने आकर उनसे प्रार्थना की कि अब मुझ पर भी कृपा कीजिए। क्या हो गया था उन 14 वर्षों में, उन्होंने क्या प्राप्त किया था? आप देखते हैं, गुरु का सत्संग, ऋषियों के साथ बैठना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना। 14 वर्ष सीता जी के साथ रहकर एक वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करना कितना कठिन काम था। इसलिए इस सुख को प्राप्त कर इस त्रिगुणातीत अवस्था को पार कर अब वो भगवान राम लौटे थे। सभी महात्माओं ने जाकर उनकी प्रार्थना की थी, उनके दर्शन किए थे। मनुष्य क्या है यह हमारे लिए समझना कठिन है। जो जो आप ऊपर उठते जाएंगे, अपने को देखते जाएंगे और एक दिन आप ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां आप अपने सिवा और कुछ भी नहीं देखेंगे। जिन ऋषियों ने उस स्थान को पाया है, उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं कुछ नहीं हूं, केवल ईश्वर ही। मैं एक पानी की बूंद था जब तक अलग था, और जब समुद्र में प्रवेश किया तो मैं भी समुद्र हो गया। अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा,
वास्तव में हमारा सबका अस्तित्व नहीं है, एक चीज है। दुख कुछ देर के लिए अलग अलग मालूम पड़ती है, लेकिन जैसे निद्रा में जाकर सभी एक हो जाते हैं, उसी तरह उस ज्ञान की स्थिति में जाकर सभी एक हो जाते हैं। राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, बिल्कुल शांत। कितनी ऊंची अवस्था है। जब आदमी दूसरे को देखता है तो उसमें अपने परमात्मा को देखता है, तो उसे मानता है, प्रणाम करता है। आप सबका, प्रत्येक जीव का उस परमात्मा से लगाव है और कोई भी उससे अलग नहीं है। जैसे सभी के घर में टेलीफोन लगा होता है, उसी प्रकार हम सबका, चींटी से हाथी तक का, उस परमात्मा से तार जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा आप जब चाहें परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। वो सबों के हृदय से जुड़ा है। तुम जब भी चाहो उससे अपना दुख सुख कह सकते हो। भगवान ने कितनी कृपा की है, वह हर क्षण उसकी खबर लेता रहता है और उसको शांत करता रहता है। ऐसा है वो ईश्वर, ऐसी कृपा करने वाला। क्या हमने भी कभी उसकी ओर देखने की इच्छा की? क्या ये जानने की कभी इच्छा की कि कितना समीप है ईश्वर, कितना दूर से दूर और पास से पास रहने वाला ईश्वर हमारी गतिविधियों को देख रहा है। दूसरा आदमी हमें देख रहा है, लेकिन कभी आपने ख्याल किया कि परमेश्वर हमें देख रहा है? क्या उन आंखों में परमेश्वर नहीं है? हम कोई गलत काम किसी के साथ करते हैं, वो बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसमें बैठा ईश्वर भी देख रहा है। और इसीलिए ये कहा है कि कामुक तो विनती करूं, लाज आवत है मोही, तुम देखत अवधुन किए, कैसे द्याहूं तो ही। संतों ने कहा है कि आप किसी को धन तो दे सकते हैं, मगर स्वाभिमान देना बड़ा कठिन है। अगर धन की जगह आप उसे मान दें तो वो लाख गुना अच्छा है। लेकिन हम धन भी देते हैं तो मान और प्रतिष्ठा से नहीं देते। अगर तुम उसे धन दो तो पहले मान दो, फिर पीछे धन दो। क्योंकि भगवान के यहां आपने सुना है कि मान देने वालों की ही कद्र है। जैसे भगवान के यहां सुदामा आए, वो दरिद्र थे, उस दरिद्र को भगवान ने पहले मान दिया, धन पहले नहीं दिया। पहले उसके चरण धोए, महलों में ले जाकर रानियों से कहा कि ये हमारे पुराने मित्र हैं। तभी रानियां आकर खड़ी हो गई उनके दर्शन के लिए, फिर जाकर उनके चरण पकड़े। कितना मान दिया, जितना आज कोई दे ही नहीं सकता। एक ऐसे ब्राह्मण को जिसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे, बवाइयां पड़ी हुई थी, सर नंगा था, जब भगवान ने उसके चरण धोए होंगे तब उसकी क्या दशा हुई होगी, जब महल में तमाम रानियां पानी डाल रही होंगी, उसके चरण की सेवा कर रही होंगी, तो उसने क्या सोचा हो। वैसी प्रतिष्ठा देने वाला आज कोई हो सकता है? धन दिया पीछे, वो भी उसको दिखाकर नहीं दिया। उन्होंने कहा, भाई जाकर इनका प्रबंध कर दो, सबकी प्रतिष्ठा, सबके साथ अच्छा व्यवहार, यह सब ईश्वर देखता है। सब मनुष्य जो है
वो कुछ और हो जाता है। जो ईश्वर के समीप होते हैं उनकी दशा कुछ और ही होती है। उनको किस बात की आवश्यकता हो? यह साधना इसलिए है, हम भले ईश्वर को नहीं देख रहे हैं लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है। यहां इतना और समझ लें कि साधना के द्वारा आगे चलकर हम भी उसे देखेंगे, ये आंखें उन्हें देख सकेंगी। तो मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और वो संसार पे तैरने लगता है। आप एक विचित्र बात देखेंगे कि पानी के ऊपर तैरने वाले जब सारे विचार छोड़ देते हैं तो वो पानी पर लेटे चले जाते हैं। आप उसका स्वयं अनुभव कीजिए, बड़ी अच्छी चीज। आप संयम अवस्था में आइए, पानी पर लेट जाइए तो आप डूबेंगे नहीं। विचारों से रहित होने पर मनुष्य का शरीर पानी पर तैरता है। जो अच्छे तैराक हैं वो यही करते हैं, ऐसे लेट जाते हैं मानो चारपाई पर लेटे हो, हाथ पैर नहीं हिलाते और आराम से लेटे। और जब आदमी डूब जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। डूब क्यों नहीं जाता? क्या चीज थी जो भारी थी और जिसके निकल जाने पर वह लाश शरीर ऊपर तैरता हुआ दिखाई देने लगता है? वो वही चीज है, विचार। अगर तुम उसे पहले ही निकाल दो तो तुम पानी पे तैरने लग जाओ। इसी तरीके से मनुष्य अपने विचारों से शांत होकर छूट जाए, परमात्मा के विचारों में आ जाए, तो वह संसार सागर में, भव सागर में डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। और विचारों को छोड़ने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना बताई है उसी का अभ्यास अभी हम सब लोग करेंगे। उसके लिए एक स्थिर सुखासन में बैठ जाएं, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और धीरे धीरे हमारा रोम रोम उस प्रकाश में लय होता है। इस दौरान सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर से गाएंगे और जिन्हें याद नहीं वो सीधे इसी ध्यान में लग जाए। जब यहाँ से परम पूज्य का आदेश हो तभी ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें।